शेर जो होते हैं वो मांस ही क्यों खाते हैं, घास फूस क्यों नहीं खाते? डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है, उसके क्या प्रोसीजर है, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, उसी से रिलेटेड हम यहाँ सारे टर्म्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक्चुअली जो माउथ है, फेरनिक्स है, ईसोफेगस है, टंग है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, तो ये स्टमक है, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, जेजनम, रेक्टम, एनस, ये तमाम चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। ये टोटल चीज़ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जो आपका माउथ से शुरू होता है और एनस तक ख़त्म होता है, तो माउथ से लेकर एनस तक के बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं सब एलिमेंट्री कैनल के बीच में आती हैं, और तकरीबन इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 9 मीटर। 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है और ये माउथ से लेकर एनस तक जाती है, और इसी को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। और इसी एलिमेंट्री कैनल से हमारे टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़े होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो भी जुड़े होते हैं। अब हम इंजाइम्स के विषय में बातचीत करेंगे। इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस हुआ करते हैं, एक तरह का केमिकल्स होता है, और इनका काम क्या होता है? तो ये हमारे शरीर के सेल्स में जाकर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। तो इंजाइम्स एक्चुअली केमिकल्स हैं, और ये वैसा केमिकल्स है जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसको फास्ट करता है रिएक्शन को, एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को। जो हमारे इंजाइम्स होते हैं एक्चुअली बने हुए किससे होते हैं? तो जो हमारे इंजाइम्स होते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बने होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब ये केमिकल रिएक्शन के दौरान काम करती है तो वो चेंज नहीं करती। सो रिमेंबर द पॉइंट, रिमेन अनचेंज्ड। तो जितने भी ऑलमोस्ट इंजाइम्स हैं वो सब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बने होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं किया करते हैं। ये जो इंजाइम्स है, ये इंजाइम्स एक्चुअली होते कहाँ पर हैं? तो ये जो इंजाइम्स हमारे होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव जूसेस में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसे हम लोग अभी आगे जाकर जिक्र करेंगे, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं इंजाइम्स। और इनका रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन ये होता है कि जो हम लोग फूड खाते हैं वो जनरली जो फूड होता है उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो। तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स फूड जो है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, पर गुच्छा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, और उस गुच्छे वाले को, उस कार्बोहाइड्रेट्स को वो धीरे 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 स्प्लिट अप कर देता है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इंजाइम्स का ये मेन फंक्शन हुआ करता है, इंजेशन एंड डाइजेशन। इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इंजेशन, जब हम फूड को खाते हैं, जब फूड को अपने माउथ के अंदर डालते हैं
तो उसे हम लोग इंजेशन कहा करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लड़का है वो फूड को खा रहा है, तो टेकिंग इन फूड, जब हम फूड को खाते हैं तो उसे हम इंजेशन कहा करते हैं। अब बात ये समझ में हम लोगों की आनी चाहिए कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन दरअसल क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब ये हुआ कि जो बहुत ही ज़्यादा आपस में ग्लूकोज ग्लूकोज जब आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब हम फूड खाते हैं जनरल मीनिंग में अगर हम बात करें कि जब हम फूड मटेरियल खाते हैं वो उस समय काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब कि बहुत सारे ग्लूकोज उसमें जुड़े हुए होते हैं, तो उसी ग्लूकोज को जब छोटे छोटे शुगर में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे ग्लूकोज में जब उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वैसे प्रोसेस को हम डाइजेशन प्रोसेस कहा करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है, तो ये दोनों ग्लूकोज मिले हुए हैं। इसी तरह से जो फूड होते हैं उसमें बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं, तो उन सब ग्लूकोज को वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। और जब हम किसी भी ग्लूकोज को स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं, और ये सब ब्रेक जो होती है वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अकॉर्डिंग होती है, तो जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आपके स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएंगे तो उसे हम डाइजेशन प्रोसेस कहा करते हैं। माउथ में डाइजेशन, सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में ही शुरू होता है। तो जैसे ही हम फूड को माउथ में डालते हैं तो हमारा पहला डाइजेशन का जो स्टार्टिंग है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है लेकिन स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में जैसे फूड को डालेंगे वो हमारा डाइजेशन प्रोसेस करना शुरू कर जाता है। अब हम जैसे फूड को डालते हैं अपने मुंह के अंदर, तो होता क्या है कि हम फूड को चबाते हैं, जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं फूड के उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और चबाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, तो ये एक एक्चुअली फिजिकल डाइजेशन के कैटेगरी में आता है। लेकिन जो डाइजेशन का प्रोसेस है एक्चुअली वो करता क्या है कि जो हमारा फूड है, जो हम फूड खा रहे हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, और उसी स्टार्च को, उसी कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको जैसे कि बहुत पहले ही पता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो स्टार्च है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको हम सिंपल शुगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत होती है, इंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोग इंजाइम्स के विषय में थोड़ा जानेंगे। तो जनरली होता क्या है कि हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा होता है, और स्लाइवा जो है उसमें एक इंजाइम्स होता है जिसको हम सेलिवरी एमिलेज कहा करते हैं। ये सेलिवरी एमिलेज इंजाइम्स होती है और यही स्लाइवा को बाहर निकालने में मदद करती है। तो स्लाइवा एक लिक्विड का पार्ट होता है, एक लिक्विड जैसा होता है जो हमारे माउथ में होता है, जो पानी के जैसा होता है, और ये क्या करता है, आपके फूड को, जो फूड आप खाते हैं उसको लुब्रिकेंट करता है, उसको स्वेलन करता है। तो ये फूड को काफ़ी गिल्ला करेगा, ये फूड को सॉफ्ट बनाएगा ताकि आप फूड को इजीली अंदर ले जा सकें, खा सकें। तो जो स्लाइवा होता है उसका जो फंक्शन होता है, जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो वो आपको दिमाग में रखनी है कि स्लाइवा का क्या फंक्शन है। तो स्लाइवा का फंक्शन है कि वो फूड को लुब्रिकेंट किया करेगा, और स्वालोइंग क्या करेगा, वो फूड को थोड़ा सा फुला देगा, गिल्ला कर देगा और इजी डाइजेशन हमारा बना देगा। सो स्लाइवा एक्चुअली कहाँ से निकलती है, तो एक ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और वहाँ पर एक सलाइवरी एमिलेज होता है एंजाइम्स, उसके जरिए सेक्रेट की जाती है। और इस तरह से माउथ में हमारा जो डाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो शुरू हो जाता है। जब आप अपने फेवरेट फूड को देखते हैं
तो फेवरेट फूड को देखते के साथ ही आपके मुंह में पानी भर आता है, आपके मुंह से लार टपकने लगता है। ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि आपके माउथ के अंदर एक ग्लैंड्स पाया जाता है और उसे हम सैलिवरी ग्लैंड्स बोला करते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर होता है। तो जब आप फूड को खाते हैं, जब फूड आपके माउथ के अंदर जाता है, तो आप फूड को चबाते हैं, फूड को सॉफ्ट बनाते हैं, उसको लुब्रिकेंट करते हैं ताकि इजीली वो अंदर जा सके। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सैलिवरी ग्लैंड्स होता है उससे स्लाइवा बाहर निकलता है। तो हमारे माउथ से इस प्रकार स्लाइवा बाहर निकलता है और ये स्लाइवा ही आपके फूड को काफ़ी लुब्रिकेंट करता है। और इसी स्लाइवा के कारण जब आप अपने फेवरेट फूड को देखते हैं तो आपके मुंह में एक्चुअली यही स्लाइवा भर जाता है जो कि पानी के जैसा होता है। ये जब स्लाइवा आपके माउथ में भर जाता है तो उसी को हम कहते हैं कि आपके मुंह में पानी आ गया है, आपके मुंह से लार टपक रही है। तो एक्चुअली ये स्लाइवा होता है और ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड से बाहर निकलता है। इसमें एक एंजाइम्स होता है और इस एंजाइम्स का काम ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे वो डाइजेस्ट कराने में मदद करता है, उसको शुगर और सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। वो ये जो एंजाइम्स होता है उसे हम लोग सैलिवरी एंजाइम्स बोला करते हैं। जब आपका फूड माउथ में होता है तो जब वो फूड स्लाइवा से पूरी तरह से मिल जाता है तो आपका फूड ईसोफेगस के जरिए पास किया जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस, इसी के जरिए फूड आपका पास होता है। तो ईसोफेगस में आप सोचें कि किस प्रकार से फूड नीचे की तरफ मूव करता होगा। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ईसोफेगस होता है वो एक मस्कुलर होता है, मसल से बना होता है। तो इस ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसके वजह से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये फूड पार्टिकल है वो धीरे 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 ईसोफेगस से होते हुए स्टमक की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो ईसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, जिसके वजह से एक मोमेंट आएगा इस फूड में जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहा करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं तो फूड इस तरह का मोमेंट करते हुए जा रहा है, तो इस मोमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहा करते हैं। एलिमेंट्री कैनल का वही एक ऐसा हिस्सा है यानी कि ईसोफेगस जहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ करती है। हमारा फूड ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है और रियली में इसी जगह पर हमारा फूड डाइजेस्ट भी करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमारा फूड स्टमक में आता है तो इस स्टमक से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं और इसमें HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये काम होता है कि जो भी फूड में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसे वो जान से मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और फंक्शन है, ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में एक्टिवेट करता है। दरअसल पेप्सिन एक तरह का एंजाइम्स होता है। प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है और इस टूटे हुए स्मॉल फ्रेगमेंट्स को हम पेप्टोन्स कहा करते हैं। हमारा फूड जो है वो ईसोफेगस से होते हुए जब स्टमक में आता है और स्टमक्स के बाद हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ जाने लगता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के जाने से पहले इसको यहाँ पर ड्यूओडेनम से होके गुजरना पड़ता है। ड्यूओडेनम ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ले जाने वाला रास्ता है और उसके जस्ट ऊपर वाले हिस्से को हम ड्यूओडेनम कहा करते हैं। तो फूड जो है वो स्टमक से होते हुए ड्यूओडेनम की तरफ जाता है। तो फूड स्टमक से होते हुए
ड्यूओडेनम में चला जाता है। ड्यूओडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लीवर है और देखिए लीवर में एक गोल ब्लैडर आपको दिखाई देगा। तो हम लोग जैसे कि ऑयल वाला फूड खाते हैं, फैट्स वाला फूड खाते हैं, तो आप सोचिए कि जो ऑयल वाटर में नहीं घुलता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वो हमारे शरीर में कैसे घुल जाता होगा, फैट्स कैसे डिसॉल्व हो जाते होंगे हमारे शरीर के अंदर। तो एक्चुअली जो फैट होता है वो टूटकर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। और ये जो है ये बाइल जूस के मदद से होता है। अब ये बाइल जूस निकलता कहाँ से है? तो बाइल जूस एक्चुअली लीवर से निकलता है। यहाँ पे जो आप लीवर देख रहे हैं, इस लीवर से ही आपका बाइल जूस निकलता है। और ये जो बाइल जूस होता है वो लीवर के गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई देगा, ये हमारा गोल ब्लैडर है। तो गोल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। तो बाइल जूस सेक्रेट होती है लीवर से और बाइल जूस स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, और ये हमारे फूड के साथ मिल जाता है। और ये उस फूड में अगर फैट है, ऑयल है, तो उसको वो क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन कर देगा, फैट को फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो हमारा बाइल होता है उसके पास किसी भी तरह का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो बाइल है उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता है। ये जो बाइल है ये करता क्या है, इसका काम क्या है? बाइल का काम ये होता है कि ये अल्कलाइन मीडियम बनाता है। अल्कलाइन मीडियम क्या होता है? अल्कलाइन मीडियम मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन रेडी करता है हमारे पेट के अंदर। अब ये क्यों बनाता है बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम क्यों बनाता है? इसका रीज़न है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसके वजह से अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो एसिड की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए बेस की आवश्यकता होती है, ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। अगर इक्वल एसिड इक्वल बेस होगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अल्कलाइन मीडियम बनाने का तो एक ये पर्पज़ है, और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है वो ये है कि जो भी पेनक्रियाटिक आपके इंजाइम्स होते हैं वो पेनक्रियाटिक इंजाइम्स को एसेंशियल एक्शन करने के लिए भी बनाता है। तो पेनक्रियाटिक इंजाइम्स एक्शन कर सके, उसमें एक्टिवेट हो सके, इसके लिए बाइल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेनक्रियाज, हमारा पेनक्रियाज होता कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि स्टमक के नीचे होती है और ठीक उसके पैरेलल होती है। तो पेनक्रियाज का पोजीशन यहाँ पर है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है। पेनक्रियाटिक जूसेस में तीन एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका पेनक्रियाज है, और इस पेनक्रियाज में तीन एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है ट्रैप्सिन। इसका फंक्शन ये होता है, जो ट्रैप्सिन एंजाइम्स होता है वो पेप्टोन्स को प्रोटोजेस में, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब साधारण भाषा में अगर मैं बोलूँ आपको, तो जो ट्रैप्सिन होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रैप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब दूसरा जो इंजाइम्स आता है वो है हमारा एमिलेस।
एमिलेज स्टार्च को तोड़ता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, उसको माल्टीज में कन्वर्ट करता है। और थर्ड जो हमारा होता है वो है लिपेस। लिपेस क्या करता है कि जो आपका इमल्सिफाइड फैट्स हैं उसको वो और ज़्यादा ब्रेक कर देता है, टूटे हुए फैट्स को और ज़्यादा तोड़ देता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फैट्स फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपको इनके सारे फंक्शंस याद रखने हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दरअसल हमारा ये होता है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे शरीर में कोयल के जैसा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक ड्यूओडेनम में, दूसरा जेजेनम और तीसरा इलियम। क्या आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनल का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट है। इसकी लंबाई तकरीबन 6.5 मीटर होती है जो कि एक किसी भी एडल्ट पर्सन में हो सकता है। 6.5 मीटर लंबा होता है, हमारी एलिमेंट्री कैनल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनल का इतना लंबा अगर पार्ट है तो इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा गया। दरअसल ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है और इसी वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। शेर जो होते हैं वो मांस ही क्यों खाते हैं, घास फूस क्यों नहीं खाते? दरअसल ऐसा इसलिए होता है, जो घास होते हैं, ग्रास होते हैं या रॉ मटेरियल्स वेजिटेबल्स जो होते हैं उनमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही बड़ा चेन है, तो सेलुलोज उसको हम बोला करते हैं, जिसमें नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं जिसमें लकड़ी जैसा कुछ तत्व पाया जाए उसको हम सेलुलोज कहा करते हैं। तो उन सब जैसे कि ग्रास हो गया, वेजिटेबल, रॉ मटेरियल्स, उनमें सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होना चाहिए। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सब एनिमल का सेम नहीं रहता है, अलग अलग फूड हैबिट के हिसाब से अलग अलग लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो अगर जो सेलुलोज वगैरह खाते हैं, जो हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं, उनको जनरली लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोग काऊ को देख सकते हैं, तो काऊ घास फूस इसीलिए खा के पचा पाती है क्योंकि इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो काफ़ी लॉन्गर होता है, जबकि टाइगर्स के पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉलर होता है। इसीलिए ये मीट वगैरह खाते हैं, और मीट में भी होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन मीट को डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान होता है। इसीलिए टाइगर्स ज़्यादातर मांस खाते हैं ना कि घास फूस खाते हैं। आपको एक बात नोट रखनी चाहिए कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है वो टोटली कहाँ पे जाके कंप्लीट डाइजेशन करता है, तो कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। रिमेंबर द पॉइंट कि कंप्लीट डाइजेशन हमारे बॉडी के किस हिस्से में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, टोटल चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है यहाँ पर आकर। सो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा साइट है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। हमारा जो फूड है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूसेस के ज़रिए डाइजेस्ट होता है,
तो क्या होता है, थोड़ा सा हम इस पर गौर करें। दरअसल होता यह है कि प्रोटीन जो है वो टूटकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फैट्स है वो फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। दरअसल ये जब ब्रेक होते हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की, ग्लूकोज की, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की, ये सारे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये वाटर में डिसॉल्वेबल भी हो जाते हैं और इजीली डाइजेस्टेबल बन जाते हैं। इसीलिए ये तमाम चीज़ें जब बहुत छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं और सॉल्युबल के लायक हो जाती हैं, तो ये सारा डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सारा डाइजेस्टेड फूड हमारा विलय में चला जाता है। अब ये विलय क्या है? दरअसल विलय इस प्रकार से दिखाई देता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक अंदर वाले सरफेस में हम जाएंगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा, जो कि एक्चुअली फिंगर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये फिंगर जैसे बाहर निकले हुए वैसे आपको लग रहे हैं देखने में, तो इसी को हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा ये आपको दिखाई देगा, जिसे हम विलय कहा करते हैं। ये जो विलय है, इसी विलय में सारा जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है और ब्लड में अच्छे ढंग से घुल जाता है, और ब्लड में जाने के बाद जो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो ब्लड के थ्रू पहुँच जाते हैं। सो जनरली अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार विलय का फंक्शन क्या है। तो विलय का फंक्शन ये होता है कि एक्चुअली ये अपनी सरफेस एरिया को इनक्रीज कर देता है। जब ये अपने सरफेस एरिया को इनक्रीज करता है तो ये अपने सरफेस एरिया को इनक्रीज क्यों करता है? तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एब्जर्व हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो ब्लड में घुल सके, जा सके, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको जल्दी जल्दी पहुँचाया जा सके। तो हमें क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो होती ही है, तो एनर्जी रैपिडली जल्दी 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 पहुँचाया जा सके सब बॉडी के पार्ट्स में, इसीलिए जो विलय होता है उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। और जो फूड डाइजेस्टेड नहीं हो पाता है, वो फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को काफ़ी मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है, इसी को हम लार्ज इंटेस्टाइन बोला करते हैं। ये हमारा एनस हुआ। सो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं, उन सारे अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो वाटर आपका होता है उसे एब्जर्व कर लिया जाता है, और जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको लुब्रिकेंट करके फीसिस बना दिया जाता है, और उस सारे फीसिस को एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जिसको हम रेक्टम कहते हैं, वहीं पर जाकर इसे जमा कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस रेक्टम में ये कलेक्ट हो जाता है टेम्पोरली थोड़े समय के लिए, और जब हम टॉयलेट के लिए जाते हैं तो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर निकलता है। डेंटल कैरियर्स, डेंटल कैरियर्स में आज हम दांतों के विषय में बात करेंगे। तो ये हमारा दांत है और
इस दांत में कुछ पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम उस पार्ट्स को समझ लेते हैं। दांत का जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है वो होता है इनामेल। ये हमारे दांत का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ना कि सिर्फ दांत का बल्कि हमारे पूरे शरीर का सबसे अगर कोई हार्ड सब्सटेंस है तो वो हमारा इनामेल ही है। ये हमारे हड्डियों से भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और ये दांतों के सबसे आउटर कवर में होता है। तो जो हमारा आउटर कवर है टूथ का, उसी को हम इनामेल कहा करते हैं। ठीक इस इनामेल से नीचे जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम डेंटाइन कहा करते हैं। लगभग ये हड्डी के जैसा ही होता है और ये ठीक इनामेल के नीचे पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा और नीचे देखें तो हम लोगों को पल्प कैविटी दिखाई देगा, डेंटल कैविटी, या हम इसको बोला कहते हैं पल्प कैविटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पल्प कैविटी है। यहाँ पल्प कैविटी में क्या होता है कि बहुत सारे ये नसों से जुड़ा होता है, ब्लड कैपिलरी से जुड़ा होता है और बहुत सारे नर्व सिस्टम से ये जुड़ा होता है, तो ये हमारा पल्प कैविटी कहलाता है। हमने ये जाना कि हमारे दांत का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल कौन है, तो वो हमारा इनामेल होता है। इतना हार्ड होता है कि आपकी हड्डी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा हार्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार डेंटल कैरियर्स क्या होते हैं। तो डेंटल कैरियर्स जो होता है, जब आपके दांतों में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, अगर स्मॉल कैविटीज बन जाते हैं, तो उसे हम डेंटल कैरियर्स बोला करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन दांतों के बीच में आप देखिए कि ये इस तरह का होल बन गया है, ठीक है। तो ये जो आपको स्मॉल कैविटीज दिखाई दे रही, जो स्मॉल होल्स आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी स्मॉल होल्स को हम लोग बोला करते हैं डेंटल कैरियर्स। ये होता कैसे है? एक्चुअली डेंटल कैरियर्स होने का रीज़न ये है कि जो आप खाना खाते हैं उसमें शुगर प्रेजेंट होता है और आपके माउथ में बैक्टीरिया होती है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस शुगर के साथ अटैक कर देता है और अटैक करने पर एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वही एसिड आपके जो दांत में कैल्शियम होता है, क्योंकि आपका दांत कैल्शियम से बना होता है, तो उस दांत को वो एसिड क्या कर देगा, करोड कर देगा, उसको धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से ये स्मॉल टाइप के जो होल्स हैं वो बनना शुरू हो जाता है, और इसी स्मॉल कैविटीज़ को हम डेंटल कैरियर्स कहा करते हैं। ये धीरे 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 एसिड जब आपके ठीक आपके पल्प कैविटी में जाने लगते हैं, तो आपको ये जो एसिड्स होते हैं वो काफ़ी इरिटेट करने लगते हैं, जिसके वजह से आपको दांतों में दर्द हो जाता है। तो ऐसे समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों को एक्चुअली, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है दांतों में, इसीलिए वो हमारे जो दांत होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें डेंटल कैरियर्स बनना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप इस तरह के दांत चाहते हैं, तो आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद रेगुलर ब्रश करें और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट में बेस होता है, तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपके दांतों के अंदर स्मॉल कैविटीज़ नहीं बन पाएगा।